हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू रिवीजन असाइनमेंट नंबर 8 क्लास 3rd सब्जेक्ट SHT मैचिंग। स्टूडेंट्स, नंबर 1 है हेल्प चिल्ड्रन इन स्टडीज। स्टडीज में हमारी हेल्प कौन करता है? मदर। नंबर 2 है चेस। चेस को हम किससे मैच करेंगे? क्यू से खेलते हैं तो चेस को हम मिलाएंगे क्यू से। नंबर 3 है टेम्परेरी हाउसेस। टेम्परेरी जो हाउसेस होते हैं वो कौन से होते हैं? टेंट। टेंट को हम इसे मैच कर देंगे। हैवी रेनफॉल यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश होना, ठीक है। ऐसे जो घर होते हैं वो कौन से होते हैं? स्टिल्ट हाउसेस कहलाते हैं। राइट्स प्ले एंड स्टोरीज। प्ले और स्टोरीज जो होती हैं उनको कौन लिखता है? स्टोरीज जो होती हैं उनको कौन लिखता है? राइटर लिखता है। नंबर 6 है डम्ब। डम्ब जो होते हैं जो बोल नहीं सकते उनको डम्ब कहा जाता है। कैन नॉट स्पीक से मैच कर देंगे। स्नूकर एक गेम है जो कौन से खेला जाता है? नंबर 8 है ब्लाइंड। जो देख नहीं सकते उन्हें ब्लाइंड कहा जाता है। इनको किससे मिलाएंगे हम? कैन नॉट सी से। एस्किमोस एक जाति का नाम है जो कहाँ रहती है? इग्लूज की जो बर्फ के बने हुए घर होते हैं उनमें रहती है। नंबर 10 है हट। हट होती है एक झोपड़ी जो किससे बनी होती है? जो क्या कहलाती है? कच्चे हाउसेस कहलाती है। स्केच। स्केच क्या होते हैं? जो हम रफ ड्राइंग करते हैं। स्केच क्या होते हैं? जो हम एक रफ ड्राइंग करते हैं उसे हम स्केच कहते हैं। कंपास क्या होते हैं? लोकेटिंग डायरेक्शन। यदि हमें किसी कहीं जाना है तो हम क्या कर सकते हैं? मैप के अंदर डायरेक्शंस जो होती हैं उनको लोकेट कर सकते हैं, उस पर टिक लगा सकते हैं, निशान लगा सकते हैं। रंगोली। रंगोली जो होती है जो डेकोरेट करने के काम आती है, ठीक है, वो उसको क्या कहा जाता है? अल्पना के नाम से भी जाना जाता है। वीला। वीला क्या होते हैं? सिंगल स्टोरेड हाउसेस होते हैं जो कि एक ही मंजिल बने हुए होते हैं। ए शेल्टर प्रोटेक्टर्स जो मकान होते हैं, घर होते हैं, वो हमारी प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। किससे करते हैं स्टूडेंट्स? वाइल्ड एनिमल से, ठीक है। किससे करते हैं? वाइल्ड एनिमल से। नंबर 16 है इंडोर गेम्स। इंडोर गेम्स किसको माना जाता है? चेस। चेस एक ऐसा गेम है जो हम घर के अंदर खेलते हैं। प्रोफेशनल गेम कौन सा होता है स्टूडेंट्स? जैसे बॉक्सिंग है। बॉक्सिंग कैसा गेम है? हमारा प्रोफेशनल गेम है। आउटडोर गेम में क्या आ जाएगा हमारा? क्रिकेट। आउटडोर जो घर के बाहर खेले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आउटडोर कहते हैं। तो आउटडोर हमारा क्रिकेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ड्रॉ द पिक्चर ऑफ कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? कच्चा हाउस और पक्के हाउस की पिक्चर को ड्रॉ करनी है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए रिवीजन असाइनमेंट नंबर 9 है आपका। टेक द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1 है सन राइजेस इन द। देखिए जो सूरज है वो कहाँ से उगता है? ईस्ट से उगता है, तो आप ईस्ट को टिक करेंगे। मैरी कॉम इज ए कार रेसर या बॉक्सर? मैरी कॉम जो है वो एक बॉक्सर है, तो बॉक्सर को टिक कीजिए। क्रिकेट इज एन इनडोर आउटडोर गेम। क्रिकेट जो गेम होता है वो आउटडोर गेम कहलाता है, घर के बाहर खेला जाता है। चेस हॉकी इज एन इनडोर गेम। अब आपको बता रहे हैं कि इंडोर गेम कौन सा होता है, तो आप किसको टिक करेंगे? चेस को करेंगे। प्लेइंग स्पोर्ट्स वीडियो गेम्स इज हेल्दी। बताइए कौन सा आ जाएगा? हेल्दी कौन सा होता है? स्पोर्ट्स होते हैं, गेम को खेलना होता है, तो स्पोर्ट्स को टिक करिए आप। नंबर एफ है ए बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड कैनवास या एटलस। जो मैप्स की बुक होती है उसे क्या कहा जाता है? एटलस कहा जाता है। जी है वी शुड हैव लेस मैनी डोर्स एंड विंडोज। हमें हमारे घरों में दरवाजे और खिड़कियाँ लेस होनी चाहिए या मैनी होना चाहिए? मैनी होनी चाहिए, बहुत सारी होनी चाहिए ताकि खुली हवा आ सके। एच देखिए ए डॉक्टर क्योर्स द सिक या हेल्दी पीपल। जो डॉक्टर होता है वो किसका इलाज करता है? सिक का करता है या हेल्दी का करता है स्टूडेंट्स? सिक जो होते हैं, जो बीमार लोग होते हैं उनका क्योर्स करता है, उनका इलाज करता है। फर्नीचर मस्ट बी डस्टेड रेगुलरली नेवर। बताइए फर्नीचर को कभी भी साफ नहीं करना चाहिए या नियमित रूप से साफ करना चाहिए? तो आंसर क्या हो जाएगा? रेगुलरली।
एस्किमोज लिव इन हाउस बोट्स या इग्लूज। एस्किमो जो है वो कहाँ रहते हैं, तो आंसर हमारा हो जाएगा इग्लू में रहते हैं। ए टेलर कॉबलर स्टिचेस अवर ड्रेसेस, हमारी ड्रेसों को सीता कौन है, टेलर सीता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा टेलर। वी मस्ट टीज बी पोलाइट टू ए स्पेशल पीपल, हमें जो स्पेशल पीपल्स होते हैं उनके प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, पोलाइटली वे में करना चाहिए। वीला अपार्टमेंट्स इज ए मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, मल्टी स्टोर बिल्डिंग कौन सी है, वीला है या अपार्टमेंट है। अपार्टमेंट्स जो होते हैं वो मल्टी स्टोर बिल्डिंग्स होते हैं, यानी कि कई मंजिलों तक बने होते हैं। कंपास इज यूज बाय वॉचमैन या ट्रेवलर्स, कंपास का यूज किसके द्वारा किया जाता है, ट्रेवलर्स के द्वारा किया जाता है, यानी कि यात्रियों के द्वारा किया जाता है। पीपल हु हियर लेस यूज हेडफोन्स या हियरिंग एड्स, ऐसे लोग जिनको सुनाई कम देता है तो वो किसका यूज़ करते हैं, हियरिंग एड्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ये हट इज ए टेम्प्रेरी या परमानेंट हाउसेस, जो हट होती है वो कैसा हाउस मानी गई है, टेम्प्रेरी होती है या परमानेंट होती है, तो क्या आंसर देंगे आप टेम्प्रेरी, ओके, थोड़े से ही समय के लिए बनी होती है। नेक्स्ट है ए मैप स्केच इज ए रफ ड्राइंग ऑफ ए प्लेस, जो मैप होगा या स्केच होगा बताइए, इसमें रफ ड्राइंग कौन सी होगी, स्केच होगी, ठीक है। ए प्लम्बर रिपेयर्स इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स या टैप, जो प्लम्बर होता है वो किसकी फिटिंग करता है, किसकी रिपेयरिंग करता है, तो आंसर आप देंगे टैप्स, टैप्स होता है नल। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।